सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद मलिक और आप सभी का स्वागत है मेरे ट्रैवल कैंपर चैनल के अंदर। तो पिछला वीडियो आपने देखा था सावंतवाड़ी से कोंडूरा बीच का, जो कि ट्रैवलिंग, कैंपिंग और नाइट स्टे सब कुछ आपने देखा था। लेकिन आज हम जा रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए। आज का हमारा रूट है, आज की मंजिल है सावंतवाड़ी से न्यूती बीच। और पिछली बार की तरह आज भी हम कुछ अलग करने वाले हैं, कैंपिंग करने वाले हैं, बाइक राइड करने वाले हैं और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स आज हम करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। एक मेम्बर मिस है जो कि पिछले वीडियो में था लेकिन इस वीडियो में नहीं है, क्योंकि उसके जहाँ पे वो जॉब करता है वहाँ के उसके सर ने उसको छुट्टी नहीं दी, कहा कि सैलरी काट देंगे, इसलिए उसने कहा कि भाई मैं नहीं आ सकता। सलाम यानी कहा अरे हाँ चलो। अभी बहुत सा डिस्टेंस हमें पार करना है और न्यूती के बीच पर जाना है, वहाँ पे जाकर खाना है, खाने के साथ सोना है, सोने के साथ मज़ा भी करना है। थोड़ा बैग का हैवी लोड हो रहा था तो मैंने बैग उसके पास दे दी, थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है यार। और आज मैंने राइडिंग के कोई गियर्स यूज़ नहीं किए, ना जैकेट मैंने पहना है, ना ग्लव्स डाले हैं, ना नी पैड्स मैंने यूज़ किए हैं। कभी कभी ठीक है यार, लेकिन हमेशा के लिए डालना, एवरी ड्राइव के लिए यूज़ करना बहुत मुश्किल है। ये है महापण, सब में बेस्ट प्लेस है, सुकून है यहाँ पे, यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सोचा थोड़ा यहाँ से कुछ सब्जी वब्जी ले लेंगे, खाना बनाने के लिए काम आएगी। हम पहुंच चुके हैं श्रीराम वाड़ी में, जहां पे अब आज हम रात में रुकने वाले हैं, कैंपिंग करने वाले हैं और स्टे करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा गांव है, देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं श्रीराम वाड़ी में, न्यूती बीच वहां पे आए हैं। और सब में इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब हम समंदर के बीच जाने वाले हैं और साथ में गिम्बल भी ले आया हूं, शूट करने के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत मज़ा आएगा। देखते हैं समंदर के अंदर कितना मज़ा आता है। भैया
फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं कभी समंदर के बीच नहीं गया हूँ, मुझे स्विमिंग करना नहीं आता, फिर भी अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है। कुछ नहीं होगा, आराम से जाएंगे और आराम से बाहर आएंगे और उसके बाद आगे का सफ़र तय करेंगे कि हमें क्या करना है। देखिए आपको कैसा लगता है, वीडियो को पूरा देखना एंड तक, मज़ा आएगा। मैं बोरिंग हुई नहीं, मैं जो भी करता हूँ अच्छा ही करता हूँ, सबको अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा। बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे, हम बीच समंदर में हैं, पानी के बीचों बीच, और पहली बार एंजॉय कर रहा हूँ इतना। पानी को हाथ लगा के ही रहूंगा, देखता हूँ कैसे नहीं लगता, सॉरी लग गया। इतना मजा आ रहा है ना कि लाइफ में ये सब कुछ चीजें करना बहुत जरूरी है, जिंदगी को सुकून के साथ जीना है। मौत क्या, आज ना कल आनी ही है, जिंदगी को इस तरह से एंजॉय करके जी। देखिए समंदर के बीचों बीच हम लोग हैं, ये पूरा समंदर है और समंदर के बीच मैं हूँ। अब हम उस किनारे से इस किनारे आ चुके हैं, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। क्या आपने कभी ऐसी लाइफ जी है? नहीं, जीना चाहते हैं, बहुत मजा आता है। इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, ये है हमारे दोस्त सारंग। अभी थोड़ा निवती साइड में आए हैं, बीच के उस पार, अब थोड़ा यहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा फोटो शूट करेंगे, वीडियो शूट करेंगे, उसके बाद दोबारा इस बोट के अंदर बैठ के उस पार जाएंगे। क्या आप जानते हैं जिंदगी कितनी खूबसूरत है? बस लाइफ को जीना आना चाहिए यार, एंजॉय करना चाहिए। मरना तो आज है, कल है, परसों है, कभी ना कभी तो मरना है, लेकिन जब तक सांसें चल रही है बस एंजॉय करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो लोग हैं ना, दुनिया जो होती है ना, वो आपकी मुंह पे अच्छी बातें करती है और पीठ पीछे आपकी बुराइयां करती है। इनकी बातों को जहन में मत लो, वो आपके बारे में क्या बोलती हैं, क्या कहती हैं, उनकी बातों को जहन में मत लो। अगर उनकी बातें आप सोचते रहेंगे तो पीछे ही रह जाएंगे। आज भी वो कुत्तों की तरह भौंकते रहते हैं, मगर ये लाइफ जी नहीं पाते। सही बात है ना भाई? हाँ। ये लाइफ वो जी नहीं पाते जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं लाइफ जी रहा हूँ, वो लोग नहीं जी पाते।
इसीलिए वो सारी भड़ास हम पे निकालते हैं, हमारी बुराइयां करते हैं, हमारे पीठ पीछे बातें करते हैं। जानते हैं यार, लेकिन अगर हेटर्स ना होते तो शाहरुख खान की पठान भी हिट ना होती। सही बात है ना, लाइफ में हेटर्स चाहिए। जितने आपके दुश्मन रहेंगे, जितने आपके बुराइयां करेंगे लोग, उतने ही आप कामयाब होते जाएंगे। अब बुराइयां करने वालों में और हम में क्या फर्क है, ये आप देख रहे हो ना, ये है फर्क। ये जो हमारे साथ ये भड़वा आया है ना, ये बहुत मजा कर रहा है, ये बहुत एंजॉय कर रहा है। आज बहुत मजा किया। संतोष कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आके आया मैं इधर। पहली बार आके आया तू यहाँ पे? कैसा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है। कैसा एंजॉय आ रहा है? एंजॉय आ रहा है। अच्छी है जगह भी, अच्छी है, समुंदर भी है, लग रहा है ना। वो तो यार बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। इतना मजा आ रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि आपने ये सब कुछ किया होगा नहीं किया होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम जो कर रहे हैं हमें बहुत मजा आ रहा है, और शायद से बहुत कम लोग ये सब कुछ करते हैं। और आज हम इतना मजा यहाँ पे करने वाले ना, इतना धूमशान घालणार आम्ही इकडे ना, एवढं धूमशान घालणार आम्ही इकडे ना, एवढं म्हणजे एवढं तुम्हाला सांगून काय उपयोगाचं नाही आहे। त्यामुळे तुम्हाला स्वतःला हे सगळं करावं लागेल, तोपर्यंत सांगून तुम्हाला हे व्हिडिओ बंद करणार नाही आहे। तरी पण बघा, फिर भी देखो, पूरा वीडियो देखो। रिश्ते अच्छे बनाने चाहिए सबसे। जितने रिश्ते गहरे होते हैं ना, जितना प्यार गहरा होता है, उतनी लाइफ सहज सरल बन जाती है। जैसे कि अभी ये जो बोट से हम यहाँ पे आए हैं, पांडू सारंग नाम है उनका, हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, एक फैमिली जैसे हैं, जिन्होंने आज का दिन सिर्फ हमारे लिए रखा। अपनी बोट ले आए, हमें घुमाया, बहुत दिल से शुक्रिया करने का दिल कर रहा है उनका, और करूँगा भी, क्योंकि ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता ना। मतलब ये सब कुछ घूमना उमना, मतलब इतना पानी के अंदर सफ़र करना कहाँ से करते हम लोग, अगर ये ना होते तो नहीं कर पाते। तो ये उनका प्यार है, प्रेम है हमारे लिए, जिनके प्रेम की वजह से हम यहाँ तक घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और आप सभी की दुआएं हैं, कुछ लोगों की बददुआएं हैं, इसलिए सब कुछ पॉसिबल हो रहा है। अनुभव का असली मतलब ये है। डेढ़ से पौना दो घंटा हम लोग समंदर के बीच रहे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा। फाइनली हमने टेंट लगा लिया और हम बीच के ऊपर हैं। अभी फ़िलहाल 2:15 बज रहे हैं, सो कड़क धूप लग रही है, और धूप की वजह से थोड़ा सा गर्म हो रहा है। कोई बात नहीं, 5 बजे के बाद थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी धूप कम हो जाएगी, उसके बाद मज़ा आने लगेगा। तब तक सोच रहा हूँ कि कुछ खा लें, भूख भी ज़ोरों की लगी है। इवनिंग का टाइम है, शाम के 5:30 बज रहे हैं और मौसम एकदम सुहाना है और एकदम ठंडा मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी चाय पानी तो हो गई, अभी रात का इंतजाम करना है।
चिकन फ्राई करना है, चिकन को खाना है, पकाना है और ढेर सारी गपशप करनी है। एक्चुअली बात क्या है मालूम है आपको? बात ये है कि एंजॉय बहुत जरूरी है। एंजॉय के बिना लाइफ खाली है। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और पिछली बार की तरह टेंट हमने शिफ्ट किए। रीज़न ये है कि वो बताने लगे कि वहाँ पे पानी आएगा रात में, तो हमने टेंट शिफ्ट किए यहाँ पे। और इस जगह के जो ओनर हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, ये लाइट कनेक्शन उन्होंने दिया हमें। आइए दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये बैटरी है और ये है लाइट, ताकि रात को हमें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने लाइट कनेक्शन हमें दे दिया। बस 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 अभी टेंट हम निकाल रहे हैं क्योंकि पूरा पानी आ गया है यहाँ पे, और अभी घर जाने का प्लान कर रहे हैं क्योंकि आज रात में स्टे नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें थी आज की। लेकिन आप देख सकते हैं, देखिए ये पानी पूरा यहाँ तक आया, जो बना रहे थे वहाँ पे पानी चढ़ गया पूरा। ये देखो सब पूरा ख़राब कर दिया यार। इतनी अच्छी खासी मूड लेके आए थे सब, अभी टेंट वेंट निकालना पड़ रहा है, पूरा पानी यार। एनीवेज आज का ब्लॉग वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ और अभी हम घर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमने कितना सारा चिकन लिया था, ये चिकन हमने बनाया भी नहीं, लेकिन कुछ मिट्टी पानी सब इसके अंदर चला गया। अब हम घर जा रहे हैं, तो ये चिकन हम घर नहीं वापस ले जा सकते, तो अभी बीच के समंदर पे हम अभी चिकन को फेंक रहे हैं। जाने दे, कम से कम मछलियाँ वछलियाँ जानवर तो खा लेंगे। चिकन विसर्जित कर दिया है हमने अब जा रहे हैं घर पे। अब जाते हैं घर, गाड़ियाँ निकालेंगे और जाएंगे घर, चला, क्योंकि इस पानी ने तो हमारा पूरा प्लान फेल कर दिया। फ्रेंड कोई बात नहीं, आपने तो वीडियो, अरे तो लौकर पानी पांडा का अब हवा पानी का पांडा का पांडा का मरे चल लौकर पानी पूरा प्लान फेल कर रहा है। चलो जल्दी से चलो, इधर है मालिक बैग इधर है। लाडी 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 शिरोत्री चल 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 नाची।